आज मंगलवार को चयनित अभ्यर्थी हैं वर्ग 3 के। सबसे पहले इंदर सिंह परमार मंत्री जी हैं, उनके पास गए थे अपनी गुहार लगाने के लिए, पर लेकिन मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा कई बार हो चुका है। जाते तो हैं अभ्यर्थी, पर लेकिन मंत्री जी से अब उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, और उनकी मांग अभी तक क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारी तरफ कोई ज़्यादा मांग नहीं है कि जो 51,000 की मांग है वो संयुक्त काउंसिल के माध्यम से की जाए, और जो 26 जिलों का इन्होंने रोस्टर नहीं दिया है DPI में, उनको मतलब जारी करके वो पदों को दिया जाए, और साथ में जो ट्रैवल में जो पद आने थे उसका रोस्टर 25,000 से ज़्यादा पदों पर आना था वो आना था, लेकिन वो नहीं आया। इतनी सारी मांगें थी, हम 2 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई, और आज कम से कम 500-600 ज़्यादा की संख्या में थे। हमें कम से कम 3-4 घंटे वहाँ तक पुलिस के द्वारा रोका गया, और हमको हमारी बात बस बिल्कुल नहीं मतलब सुनी गई, और बहुत हताश है, मतलब क्या बताएं। कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया वहाँ पे, ना शिक्षा मंत्री जी से मिलने दिया गया। हम शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे, कई वर्ष सालों से हमारे जो पास चयनित अभ्यर्थी हैं ये प्रयास कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी से मिलने से, लेकिन वो भगवान बन चुके हैं। वो हमसे नहीं मिलना चाहते, अपने PA से मिलवाते हैं, और वो हमें गुमराह करते हैं कि हमारे पास पद नहीं है। यदि पद नहीं है तो अति शिक्षक क्या कर रहे हैं वहाँ पर, और यदि पद नहीं है तो अभी हाल ही में जो 30,000 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है वो क्यों हुई है, इनके जवाब हमें नहीं मिले हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में 2200 लगभग जो पद बच गए हैं उनकी वेटिंग क्लियर नहीं की गई है। इन सभी को उन्होंने कह दिया है कि हम देखते हैं, और हम अब देखते हैं कि वो अब क्या देखते हैं। अगर सरकार 25-26 हज़ार में ही हमारी काउंसलिंग करा के ख़त्म करना चाहती है तो कुल मानो कि हमारे 51 के आधे पद होते हैं। हम विधानसभा चुनाव में भी उनको जो 115 सीट चाहिए उसके आधे दिला के उनको समर्थन करके दिखाएंगे। नहीं नहीं, हम जो विधानसभा में उनको 230 में से 115 सीट उनको कंपलसरी चाहिए, तो हम भी ये आधी सीट उनको दिला कर और समर्थन पूर्ण रूप से देंगे। हम ये बच्चे जितने भी हैं, आज अगर हमारी बात ये नहीं सुनी जाती है 51,000 वाली, और वो 26,000 अगर जो हमारे शेष पद रह जाते हैं वो अगर ये प्लान है, आप अभी पुल पर जी रास्ते में है अभी। हम यहाँ से सीधा DPI जाना चाह रहे हैं, और यहाँ से DPI विभाग को बताना चाह रहे हैं कि आपके ट्राइबल विभाग में भी बहुत सी पोस्टें हैं, आपने आज तक जितना भी ट्राइबल का रोस्टर जारी किया आप ही दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि आपने सही रोस्टर जारी किया है या नहीं किया। जब भी पोस्ट आ रही है ST को जा रही है, चलो कुछ हद तक हम समर्थन करते हैं कि DPI विभाग ने बहुत अच्छा रोस्टर दिया है, चलो हम उसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ट्राइबल से ये उम्मीद नहीं। जब भी पोस्ट आ रही है 5 वर्गों को गिनी चुनी पोस्ट जा रही, और ST को आप भरमार पोस्ट दे रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो आपको बैकलॉग के पद अलग से निकाल के देना था, या हमको बता देना था कि आपके लिए कोई भर्ती ही नहीं। वर्ष 2011 में 49,000 पदों पर रिक्ति निकाली गई थी। हम आपको बता दें कि जो पुराना डाटा है उसमें से 25,000 पदों पर भर्ती हुई, बाकी के जो 24,000 पद शेष रह चुके थे अभी देखा जाए तो 10 से 11 साल बाद पुनः भर्ती निकाली गई। वो भी भर्ती प्रक्रिया 3 सालों से उलझी हुई है। अभी पहले कोविड का हवाला दिया गया था कि पदों को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि कितने पदों पर भर्ती होगी। इसी भर्ती प्रक्रिया में आज हमारे साथ जो युवा हैं, चयनित युवा हैं, वो उलझे हुए हैं, अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, और ऐसी चिलचिलाती धूप में पद यात्रा कर रहे हैं। और अभी देखा जाए तो जो बंगला है करीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और ऐसे टेम्परेचर में 100 मीटर चलना मुश्किल होता है, और चयनित अभ्यर्थी 4-4 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो अभी 18,000 भर्ती निकाली गई थी, और उसमें से भी काफ़ी भर्ती हैं, वो काफ़ी पद ऐसे बचे हुए हैं जो अभी शेष हैं। अभी 7,500 पदों पर प्रक्रिया चल रही है, और उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है। क्या वो ये सिक्योर हैं कि उनको भर्ती या उनको जॉब मिल ही जाएगी? देखते रहिए द सूत्र, अजय छाबड़िया, भोपाल। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।